क्रिएशन एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ हटकर चीज़ बताने वाली हूँ या फिर बनाने वाली हूँ और वो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। स्वादिष्ट का मतलब समझ के होंगे, कुछ खाने की चीज़ होगी। जी हाँ, आज मैं आपको परवल आलू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल से। किस तरह से मेरे स्टाइल से परवल आलू की सब्ज़ी बनती है, चलिए देखते हैं। इसके लिए मेरे किचन की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए मेरे किचन की तरफ तो चलते हैं। परवल आलू का हम आज सब्जी बनाएंगे। इसमें हम परवल लेंगे, आधा किलो परवल है और 4 से 5 मीडियम साइज़ का हमारा आलू है। फिर इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज हमारा 1.5 प्याज है नॉर्मल। उसके बाद हमारा हरा मिर्ची है, 4 हमने हरा मिर्ची लिए है। उसके बाद हमने टमाटर लिए है, 2 टमाटर काट लिए है। धनिया पत्ता लिया है, धनिया पत्ता। अदरक लहसुन का हमने पेस्ट लिया है। लहसुन हमारा 5 से 6 कली लहसुन है और अदरक हमारा 1/2 इंच या 1 इंच, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तड़के के लिए हमने सबसे पहले हींग लिया है, 1 चुटकी हींग लिया है। तेज़पत्ता लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है, उसको मैंने तोड़ दिया है। लाल मिर्ची लिया है तड़के वाला, ये मैंने 1 लिया है, इसको मैंने हाफ ऑफ कर दिया है। उसके बाद जीरा और राई लिया है 1 टीस्पून। फिर मैंने ये लौंग लिया है, लौंग हम लहसुन अदरक के साथ पीस देंगे। मैंने ये नमक लिया है, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। मैं कम नमक खाती हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। ये मेरा हल्दी पाउडर है, ये हल्दी पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मेरा धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मेरा कश्मीरी लाल मिर्च है, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये मेरा गरम मसाला है, गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। हम मसाले में यही सब लेंगे। चलिए आलू को हम फ्राई करेंगे। इससे पहले हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। हमने थोड़ा सा नमक ले लिया है इस तरह से। इसके बाद हम थोड़ा हल्दी डालेंगे, थोड़ा हम धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई गरम हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। देखिए हमने बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल लिया है, थोड़ा तेल गिर गया है कढ़ाई में, हम इस तरह से ऐसे डाल देंगे। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। दो मिनट हमको आलू को फ्राई करना होगा। मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे फ्राई। देखिए हमारा आलू फ्राई हो रहा है, हमारा तेल काफ़ी गर्म हो गया था इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर दिया। अगर आपका मीडियम गर्म है तेल तो आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा आलू फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है, अब हम परवल को फ्राई करेंगे। अब हम परवल को फ्राई करेंगे, इसके लिए हम 1 टीस्पून बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल लेंगे। देखिए 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया तो मैं परवल डाल लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसको भी हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तेल बड़े चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। अगर आप कोई भी तेल खाते हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए हम तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हमने हींग डाला था,
उसके बाद हम ये जीरा और राई डाल देंगे, इसको इस तरह से चला देंगे। उसके बाद हम तेज पत्ता डालेंगे, ये उसके बाद हम ये मिर्ची डाल देंगे, हमारा जो लौंग बच गया उसको हम अदरक लहसुन के साथ पीस देंगे। इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा प्याज जल्दी से पक जाए। ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें लौंग पीस दिया था, अब हम इसमें ये देखिए हम अदरक लहसुन का इसमें डाल देंगे पेस्ट। हम इसको फ्राई करेंगे, 2 मिनट हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे। कम फ्लेम पे इसी तरह फ्राई करते रहेंगे 2 मिनट तक। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, चलाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम हल्दी डालेंगे, फिर हम धनिया पाउडर डालेंगे, इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। इसको ऐसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये मसाला पक जाए। फ्राई हो चुका है, मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, ये देखिए ये हमारा टमाटर है, हम इस पर डाल देंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम जब तक हमारा टमाटर गल नहीं जाता है इस तरह से फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर फ्राई हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा ये टमाटर अच्छे से गल जाए। ये पानी डाल दिया, 2 मिनट तक इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारा सब्जी फ्राई हो चुका है। ये देखिए हमारा मसाला ये तैयार हो गया। अब इसमें हम परवल डालेंगे, अब इसमें ये हमारा ये परवल है, हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा ये परवल फ्राई हो गया है, मिक्स हो गया मसाले के अंदर पूरा। अब इसमें हम आलू डालेंगे, फ्राई किया हुआ आलू, ये वाला डाल। अब आलू को भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा ये मसाला भी मिक्स हो गया, आलू और परवल भी मिक्स हो गया। अब इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे हल्का सा। पानी अब अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है उसके हिसाब से। अब इसको बॉईल आने तक हम इसको इस तरह से पकाएंगे। हमारा ये सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च और गरम मसाला रह गया है, अब इसको हम इस तरह से डाल देंगे दोनों को एक साथ, और इसको मिला देंगे। 2 मिनट के लिए ढक के इसको पकाएंगे। देखिए हमारा सब्जी ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, अब इसमें हम कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे ताकि इसमें धनिया पत्ता का फ्लेवर आ सके, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। इसको आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो हमारा सब्जी तो बन गया,
मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सब्जी अच्छा लगा घर पे बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे कि आपको ये सब्जी कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय।